नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। बुलेटिन में आज हम बात उस जहरीले इंसान की करेंगे जो जब भी बोलता है जहर उगलता है, हर बार उसके टारगेट पर हिंदू और सनातन होता है। आखिर कौन है ये शख्स? तो पहले इस शख्स का नाम जान लीजिए। इस शख्स का नाम है मौलाना तौकीर रजा, जो अपने भड़काऊ बयानबाजी के लिए कुख्यात है, और इतना कुख्यात कि इनसे हिंदू धर्म और सनातन के लिए कभी अच्छे शब्दों की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस बार भी मौलाना तौकीर रजा ने हिंदुओं को टारगेट करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया। क्या है वो ऐलान और क्या है मौलाना तौकीर की रजा, ये सब आपको बताएंगे। रजा का बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले खबर क्या है आप वो जान लीजिए। मौलाना तौकीर रजा ने फिर जहर उगला है। वो कह रहे हैं अपनी मर्जी से अपनाना चाहते हैं कुछ लोग मुस्लिम धर्म, हिंदू लड़के लड़कियां धर्मांतरण करना चाहते हैं, और इसी के चलते 21 जुलाई को ये सामूहिक धर्मांतरण करवाने जा रहे हैं, साथ में 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराएंगे। इसी रोज इन सबका सामूहिक निकाह होगा। प्रशासन से तौकीर रजा ने इस संबंध में इजाजत मांगी है। तौकीर रजा दावा यह करते हैं कि उनके पास ऐसे 23 प्रार्थना पत्र हैं जिसमें इस्लाम धर्म कबूलने की कुछ लोगों ने इच्छा जताई है। इनमें 15 लड़कियां हैं जबकि 8 लड़के हैं। मौलाना आगे कहते हैं कि कई मुस्लिम युवतियां हिंदू धर्म अपना चुकी हैं, लेकिन किसी भी हिंदू संगठन ने इस पर विरोध नहीं जताया, इसलिए हमारे इस कार्यक्रम पर भी कोई धार्मिक संगठन विरोध नहीं जताए। तो खबर यह कि मौलाना तौकीर रजा 21 जुलाई को 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराएंगे और फिर इनका सामूहिक निकाह भी होगा। उनका यह दावा है कि ये जो लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं, इस संदर्भ में उन लोगों ने प्रार्थना पत्र इन्हें भेजा है। हिंदू लड़के लड़कियां धर्मांतरण चाहते हैं। इस संबंध में तौकीर रजा ने प्रशासन से इजाजत मांगी है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा, जो एक बार फिर से अपने इस बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 11 बजे 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराने और सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन करने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। इन जोड़ों में आपको बता दें कि कुछ मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, बाकी कुछ यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले लोग हैं। तो मौलाना तौकीर रजा से जुड़ी खबर तो आपने जान ली, अब इन जनाब का वो बयान भी सुन लिए जिसके बाद से मामले ने दरअसल तूल पकड़ लिया। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसका औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करना है, और कोई अगर इस्लाम कबूल कर रहा है बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, तो उसका वो इख्तियार है। मेरे पास 23 एप्लीकेशन है, जो पहले से साथ हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनका उठना बैठना रहना सहना है और तमाम मामला तो उनके चल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें तय की हुई हैं, उनको सार्वजनिक करना है। सिर्फ इतने काम के लिए मैंने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। 21 तारीख को मेरा प्रोग्राम। तो मौलाना तौकीर रजा साहब ये कह रहे हैं कि पहले से ये जिन लड़के लड़कियों का जिक्र कर रहे हैं वो साथ भी रहते हैं और इस्लाम कबूल चुके हैं, दरअसल अब तो सिर्फ औपचारिक ऐलान होना है और उसके लिए जिस प्रक्रिया की जरूरत है उसके बाबत उन्होंने जो प्रशासन है उसे इत्तला दी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि दरअसल तौकीर रजा को लेकर के हमने जब कहा कि अक्सर वो विवादों में रहते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। तौकीर रजा दरअसल जब भी कुछ कहते हैं तो कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो ही जाता है। तौकीर रजा का बयान तो आप सुन चुके हैं, अब बयान ऐसा है तो सियासत तो होगी ही, वो भी आपको बाद में बताएंगे कि प्रतिक्रिया किस तरह की मिल रही है, लेकिन ये पहले जान लीजिए कि तौकीर रजा
और विवादों का नाता कोई पहली बार नहीं है, वो पहले भी अपनी जहरीली जुबान से हिंदू और सनातन के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा ने कब कब विवादित बयान दिए। 2017 में द्रौपदी पर उन्होंने बयान दिया था, हिंदू महिलाओं के होते हैं 5 पति, पता नहीं बच्चे का बाप कौन। ज्ञानवापी पर धमकी, सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, इसके होंगे गंभीर परिणाम। इन्होंने सरकार को धृतराष्ट्र बताया, सरकार धृतराष्ट्र बनी रही तो देश में होगा महाभारत, यह भी तौकीर रजा की बयानबाजी थी। यूपी सरकार को धमकी देते हैं और कहते हैं आजम खान पर किए जुल्मों का सरकार से हिसाब लिया जाएगा। नागरिकता कानून पर भी इनकी प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिस पर इन्होंने कहा कि सीएए वापस नहीं हुआ तो गलियों में खून बहेगा। इसके अलावा तस्लीमा नसरीन, किन्हें हर कोई जानता है, उनके खिलाफ इन्होंने फतवा जारी किया था और यह कहा था कि तस्लीमा नसरीन का कटा सिर लाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आतंकवाद पर इनका बयान जो था उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि आतंकवादी कोई मुस्लिम नहीं बल्कि कुछ बड़े नेता जनसंख्या कानून को लेकर के जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं। जनसंख्या का कानून जो था उस पर भी इनकी प्रतिक्रिया आई और कहा कि ये जानबूझ करके जनता पर थोपने की कोशिश होती है। हिंदुओं के खिलाफ साधु संतों पर हमला, ये भी ये करते रहे हैं। आज के साधु संत महापापी और रावण के वंशज हैं। तो देखिए मौलाना तौकीर रजा अक्सर विवादित बयान देते हैं और लगता है कि इस तरह के बयानबाजी से इनकी राजनीति खूब चमकती है जो इन्हें मुफीद होती है, लिहाजा इस तरह की टिप्पणियां अक्सर देकर के विवादों को भी ये जो है कोशिश करते हैं बढ़ाने की और फिर लगातार इस तरह के बयानबाजी करके मामले को सियासी रूप पहचाने की भी कोशिश करते हैं। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा का धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा दावा तो आपने जान लिया। वो साफ कह रहे हैं कि कई हिंदू लड़के लड़कियां उनके संपर्क में हैं जो सनातन धर्म छोड़कर मुसलमान बनना चाहते हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि वो बन चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है जिसकी तारीख भी मुकर्रर की जा चुकी है और वो तारीख है 21 जुलाई। मौलाना रजा ने खलील स्कूल में पहले चरण में इस सामूहिक निकाह प्रोग्राम के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। अब तौकीर रजा इस तरह का बयान देंगे, इस तरह के ऐलान करेंगे तो जाहिर है कि सियासत तो होगी। बीजेपी ने मुखरता के साथ इसका विरोध शुरू किया। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का इस संदर्भ में क्या कुछ कहना है। मौलाना तौकीर रजा जानबूझ करके विवादित बयान देकर के सुर्खियों में आने के लिए तरह तरह के यत्न करते रहते हैं और इसी प्रकार का प्रयास वो फिर कर रहे हैं। धर्मांतरण कराने का ये प्रयास घिनौना है, चिंता में उतारने वाला है और निश्चित तौर पर ऐसे किसी भी प्रयास पर सरकार रोक लगाएगी। किसी को लोभ के आधार पर, लालच के आधार पर बहला फुसला करके या डरा धमका करके अगर आप मजहब परिवर्तित कराने का प्रयास कर रहे हैं तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे मौलाना तौकीर रजा की तमाम गीदड़ भभकियां, तमाम उनके इस तरह के बयान केवल मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए होते हैं, उनकी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा का एक बयान कि हम मुस्लिम धर्म में हिंदू लड़के लड़कियों को ला करके उनका धर्मांतरण कराएंगे, उनका निकाह कराएंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां जो मुस्लिम धर्म के हैं वह हिंदू धर्म को अपनाने को तैयार हैं और हम भी ये सामूहिक तौर पर कराने को तैयार हैं। आ ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो प्रतिक्रियाएं भी आपने सुन ली। दरअसल धर्मांतरण को लेकर के अक्सर देश में विवाद देखने को मिलता है। हालांकि धर्मांतरण के संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी तल्ख टिप्पणी बीते दिनों देखने को मिली थी। अपनी टिप्पणी के दरमियान ना कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। यह अनुच्छेद किसी को भी धर्म मानने और पूजा करने के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अब दरअसल समझिए कि मौलाना तौकीर रजा हैं कौन। बीजेपी जमकर तौकीर रजा के बयान का विरोध कर रही है, लेकिन यह जानना होगा कि मौलाना तौकीर रजा कौन है। तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता हैं, सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, हाला हजरत खानदान से आते हैं, राजनीति में आने वाले परिवार के पहले सदस्य हैं जो साल 2001 से पॉलिटिकल करियर में एंटर हुए।
2001 में इत्तेहादे मिल्लत परिषद पार्टी इन्होंने बनाई। पार्टी ने पहले नगर पालिका चुनाव में 10 सीटें जीती, फिर बरेली दंगों के आरोप में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। रजा के सहयोग से संतोष गंगवार को कांग्रेस पार्टी हरा सकी थी। 2012 में विधानसभा चुनाव में रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। रजा की पार्टी आईएमसी ने भोजीपुरा से चुनाव जीत भी लिया। 2013 में रजा को हथकरघा निगम उपाध्यक्ष का चार्ज दिया गया। अरविंद केजरीवाल की इनकी मुलाकात भी खासी सुर्खियों में रही थी। साल 2014 में तौकीर रजा ने बीएसपी को फिर समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक तोड़ लिया। 2015 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इनके द्वारा गठन किया गया। तो सियासत में इनकी एंट्री हुई और फिर किस तरीके से आगे ये सियासत में एक पार्टी से दूसरी पार्टी का रुख करते रहे, ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। 2001 में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल नाम से इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। अपने पहले ही चुनाव में हालांकि इनकी पार्टी ने नगर पालिका की 10 सीटें जीत ली थी। साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थामा। मुस्लिम मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन के पक्ष में वोट डालने की इन्होंने तब अपील की। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार एरन ने बरेली से बीजेपी के 6 बार के सांसद संतोष गंगवार को हरा दिया था। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 मार्च 2010 को सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। इनकी पार्टी ने भोजीपुरा से चुनाव जीता। अखिलेश यादव की सरकार ने तौकीर रजा को 2013 में हथकरघा निगम का उपाध्यक्ष बनाया। उन्होंने अपनी पार्टी का सपा से विलय करने का ऐलान किया, लेकिन इसी साल मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सपा से नाता तोड़ने का इन्होंने ऐलान किया। 2014 में मायावती की बसपा का ये समर्थन करते देखे। 2007 में देखिए, इससे पहले ये खासे विवादों में रहे जब इन्होंने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। सिर काट कर लाने वाले को 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। और 2022 का भी इनका एक धार्मिक आयोजन खासी सुर्खियों में रहा, जब इन्होंने बरेली में आयोजित धार्मिक आयोजन में कहा कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डर है जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। तो देखिए, ये हैं तौकीर रजा साहब, जो अक्सर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं और फिर उससे विवाद खड़ा हो जाता है। अब सामूहिक धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, प्रशासन से इजाजत इन्होंने मांगी है। इस मुद्दे को लेकर मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। रत्नाकर सिंह जी बीजेपी से नेता हैं, बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका। और आचार्य मदन जी धर्माचार्य भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका भी। पहले आचार्य जी आप ही का रुख कर लेती हूं, क्योंकि जिस तरीके से तौकीर रजा साहब ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म छोड़ करके कुछ युवक युवतियां पहले से इस्लाम को अपना भी चुकी हैं और अब साथ साथ गुजर बसर कर रहे हैं, बस अब तो औपचारिक ऐलान किया जाना बाकी। और जब मुस्लिम लड़कियां धर्मांतरण करके हिंदू धर्म अपना लेती हैं तब विरोध नहीं किया जाता, तो अब जब हिंदू लड़कियां धर्मांतरण करके इस्लाम कबूल कर रही हैं तो इसका भी विरोध होना नहीं चाहिए। जरा इनके इस आयोजन को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया पहले चाहूंगी। कर रहे हैं जी, उस तरह के आयोजन को तत्काल रोक देना चाहिए। इस तरह की घोषणा से जो ये जिहादी मानसिकता लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के लिए सही नहीं होगा। बंगाल की दुर्दशा हम लोग देख रहे हैं। संविधान जरूर है कि धर्म की उपासना की इजाजत देता है, पर इस तरह की इजाजत किसी को नहीं दी जाती कि इस तरह के आप हिंदुओं के साथ आप इस तरह का षड्यंत्र वाला कोई कार्य करें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अन्य धर्म से वापस इधर आता है तो उसकी घर वापसी कही जाती है। अब ये घर वापसी नहीं है, ये जिहादी मानसिकता करके भारत के विभाजन की एक नींव रखने का ये काम लगातार करते जा रहे हैं। जो दंगों का आरोपी यहाँ है और इस समय इसको तो जेल में होना चाहिए। इस तरह की जब सार्वजनिक घोषणा करने के बाद तो इसको तत्काल कार्रवाई करके उसको अरेस्ट करना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 25,000 मदरसे चल रहे हैं, हर चौथे गांव में एक मदरसा चल रहा है, क्या ये इस्लामीकरण करने की तैयारी नहीं है? देश भारत का विभाजन पहले झेल चुका है धर्म के आधार पर। इस शत्रु मानसिकता का, विभाजनकारी मानसिकता का तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश शासन और केंद्र सरकार दोनों का दायित्व है कि इस पर तत्काल प्रभाव से इसके आयोजन को रोका जाए।
ठीक है, मैं रत्नाकर जी का भी रुख कर रही हूँ। रत्नाकर जी, तौकीर रजा ये कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और धर्म को अपनाना या किस धर्म का अनुचरण करना चाहिए ये तो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जो स्वाधीनता है ये उसके हिसाब से आता है, उसके अंतर्गत आता है, ना तो मैं कोई गैरकानूनी काम कर रहा हूं और ना ही किसी के अधिकार क्षेत्र में हम दखलंदाजी कर रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी को, और ये जो एक सामूहिक आयोजन होने वाला है कि पहले धर्मांतरण होगा और फिर सामूहिक विवाह आयोजन किया जाएगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और यूपी में होने जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के मंसूबों को जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने तनाबूझ कर, और रही बात धर्मांतरण की, तो मैं बता दूं कि व्यक्तिगत धर्मांतरण कहीं पे भी कानून में जायज है। कोई व्यक्ति अगर चाहता है तो वो धर्म परिवर्तन कर सकता है, इसकी इजाजत हमें कानून देता है। लेकिन सामूहिक सभा करके और धर्मांतरण कराना ये कानून इजाजत नहीं देता है, अनुच्छेद 25 के यह खिलाफ हूँ। और निश्चित रूप से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी कार्य तौकीर रजा या उनके सहयोगियों द्वारा किया जाने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से उनको उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उनको कानून के तहत जो है सजा जरूर दी जाएगी। मैं दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं प्रीति जी, कि देखिए आप तौकीर रजा और ओवैसी जैसे लोग जो है गजवाए हिंद इस देश को बनाने का सपना जो सजे हुए हैं उस सपने को निस्तनाबूत कर देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं बता दूं कि यही जो है ओवैसी जो है सदन में जाकर, लोकतंत्र के मंदिर में जाकर फिलीपींस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, देश शर्मसार है, देश पूरी तरह से शर्मसार है कि भारत माता की जय बोलना चाहिए जहां पे, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग जो यह चाहते हैं कि एक दिन गजवाए हिंद बने, ऐसी मानसिकता के लोग फिलीपींस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आपने देखा कि कुछ दिन पहले बिहार के दरभंगा में भी मुहर्रम के तहत, मुहर्रम में जब जुलूस निकाला जा रहा था उस समय भी जो है फिलीपींस के झंडे लहराए दिखाए गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो लोग हैं जिनकी मंशा है कि हम हिंदुस्तान में रह करके और यूरोप जो यूरोप जैसा कार्य कर करके और अपनी आबादी बढ़ा करके यहाँ के सत्ता पे काबिज होंगे, उनकी मानसिकता को कभी पूरा नहीं करने दिया जाएगा। और मैं बता दूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी इसी के तहत जो है हम लेकर आएंगे और पास भी कराएंगे, क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोग जो सोचते हैं। ठीक है, ये तो आगे की बात है रत्नाकर जी, लेकिन 21 तारीख बहुत दूर नहीं है, जगह का भी उन्होंने जिक्र कर दिया है, प्रशासन से इजाजत मांगी है, आपको क्या लगता है प्रशासन इजाजत देगा? 23 ऐसे पत्रों का हवाला वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इनमें 18 लड़कियां हैं, 15 लड़कियां हैं और 8 लड़के हैं, और कुछ मध्य प्रदेश के हैं, कुछ बरेली के इर्द गिर्द के हैं, ये लोग पत्र लिख करके इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें धर्मांतरण करना है और लिहाजा वो उनकी मदद करेंगे, क्योंकि ये जोड़े ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बस अब इसे औपचारिकताएं जो हैं वो इस संदर्भ में की जानी है। जी देखिए, सरकार इस तरह के किसी भी मंसूबों को जो सामूहिक धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया के तहत ये लोग करने जा रहे हैं, इस तरह के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी, कभी परमिशन नहीं देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताता हूँ, और निश्चित रूप से अगर ये इस तरह का प्रयास भी करते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए हमारे लॉ में मैंने बताया कि व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो स्वच्छंद है और कर सकता है, लेकिन सामूहिक धर्मांतरण की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 25 के तहत जो है वो उल्लंघन माना जाएगा और उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का परमिशन कभी नहीं दिया जाएगा। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा प्रीति जी, कि ये तो जाके जैसे और वैसी जैसे लोग जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का और आपसी भाईचारा खत्म करने का काम कर दे, पहले मुसलमानों को सच्चा मुसलमान तो बना ले, पहले मुसलमानों को देश प्रेम करना तो सिखा ले, पहले सच्चा मुसलमान क्या करता है, किस तरह से जहां रहता है उसका गुणगान करता है, उसकी देशभक्ति करता है, वो तो सिखा ले, फिर उसके बाद जो है ये धर्मांतरण कराएंगे और जो चीजें करना है। चलिए ठीक है, लौटते मैं आपके पास में, रजनीश पांडे भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से मेरे साथ। रजनीश, तौकीर रजा ने तो प्रशासन से इजाजत मांग ली, प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक, इजाजत देंगे या नहीं देंगे, और अगर ऐसा आयोजन होता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या इसे होने दिया जाएगा? प्रीति, सबसे पहले तौकीर रजा के बारे में बता दूं कि तौकीर रजा अभी तक आरोपी है जिनकी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। सोचने वाली बात है, मैं इस बात की इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि तमाम यहाँ पे अपराधियों की गिरफ्तारी होती है,
इंटरपोल की मदद से अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन तौकीर राजा बरेली में हुए दंगे के आरोपी हैं और आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है। दूसरी चीज है कि मुहर्रम का त्यौहार चल रहा है और कांवड़ यात्रा सावर यात्रा उत्तर प्रदेश के लिए खास सेंसिटिव महीना होता है। कल योगी आदित्यनाथ खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे डीएम एसपी एसएसपी डीआईजी जिनके हाथ में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी होती है उनसे साफ उन्होंने कहा कि इस बार वो नहीं गलतियां होनी चाहिए जो पिछली बार गलतियां हुई थी। बरेली में कुछ छिटपुट बरदाते हुई थी, पश्चिम के कुछ डिस्ट्रिक्टों में बरदाते हुई थी। तौकीर राजा का बयान समझने वाली बात है कि 21 तारीख को परमिशन मांगा गया है, तब मांगा गया है कि जिस बात को मैंने जिक्र किया कि इस माह में श्रावण कांवड़ और साथ ही मुहर्रम की तमाम तरीके से धार्मिक आयोजन हो रहे हैं तो प्रशासन तो देगा नहीं, ये तो तय है। लेकिन जिस तरीके से तौकीर राजा के बयान पे सियासत तेज हो गई है जो एक सियासी दलों के लिए मुनाफा साबित हो रहे हैं, चाहे हम सियासी दल कोई भी सियासी दल हो उनको इसका क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा उसको ये लेने में नहीं चुकेंगे, लेकिन तौकीर राजा की गिरफ्तारी नहीं हुई। भारत एक्सप्रेस सवाल पूछ रहा है क्या इंटेंशंस भी यहाँ पर तौकीर राजा के पाक साफ हैं या नहीं है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि वो तो यहाँ पर ये जस्टिफिकेशन देते नजर आ रहे हैं कि इश्क में पढ़ करके आप अगर धर्मांतरण करते हैं तो हम उसके हिमायती नहीं है, लेकिन फिर उनका ये स्टेटमेंट भी सामने आता है जिसे अब भारत एक्सप्रेस ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया, जिसमें वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि लड़के लड़कियां चाहे नौकरी के वश चाहे पढ़ाई के चलते एक दूसरे के संपर्क में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अब तो सिर्फ औपचारिकताएं हैं जो वो पूरी करवाएंगे धर्मांतरण करा करके और इस्लाम कबूल करवाकर उनका निकाह तक करवाने की इजाजत उन्होंने मांगी है। आचार्य मदन जी का एक बार फिर से रुक कर रही हूं। आचार्य जी, तौकीर राजा कोई पहली बार विवादित बयान नहीं दे रहे या विवादित किसी आयोजन में उनकी यहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही है, उनकी इंटेंशंस क्या है ये भी समझ में आती है। हालांकि एक तरफ मुहर्रम का महीना और वहीं दूसरी तरफ सावन जो है उसकी भी शुरुआत होने जा रही है और उनका जो दिन का चयन है वो भी कहीं ना कहीं जो सौहार्द की भावना है उसमें भड़काओ अपने इस कृत्य के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश के रूप में देखा नहीं जाना चाहिए क्या? अभी जैसे जानकारी आपके सामने भी आई है कि उन पर अरेस्ट वारंट चालू है और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। देखिए, दिल्ली में भी जामा मस्जिद के एक शाही इमाम थे जिन्होंने खुलेआम कहा था कि मैं आईएसआई का एजेंट हूँ रामलीला मैदान में किसी कार्यक्रम में, चुनौती दी थी। उनके खिलाफ भी कई बार मुकदमे दर्ज हुए, एफआईआर भी हुई और गोरखपुर से भी पुलिस वहां गई, तो लिहाजा दिल्ली पुलिस ने ये लिख के दिया कि इस नाम के बहुत सारे आदमी इनके नाम और पिता का नाम गाँव का नाम भेजो कि किस आधार पर ऐसे लोग गिरफ्तारी से बचते रहे इसकी भी जाँच होनी चाहिए। और जहां तक रहा लिव इन रिलेशनशिप में जो अभी हिंदू लड़कियां हैं उनकी भी जाँच होनी चाहिए कि किस प्रलोभन के आधार पर कहीं जिहाद के चुंगल में तो नहीं फंसे हैं, इसकी एक अलग से जांच होनी चाहिए। और इस जांच जब सामने आएगी तभी इस तरह के और इस तरह के आयोजन को खुलेआम तो होना ही नहीं चाहिए। कांवड़ चल रहा है, गुरु पूर्णिमा है और इस समय ये सौहार्द बिगाड़ने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं इनकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, और अक्सर मौलाना तौकीर रजा जो है अपनी इस तरह की कोशिशों के लिए जाने जाते रहे हैं, पूर्व में भी इस तरह के विवादित बयानबाजी भी करते हैं और अक्सर हिंदू मुस्लिम विषय को भड़काने की कोशिशें इनके द्वारा की जाती रही है, जिसका भी संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये, जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर है जिसको लेकर के इतने मुकदमे दर्ज हैं उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इस तरह के आयोजन की इजाजत तो कतई इस व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो मौलाना तौकीर रजा ने जो ये आयोजन का जिक्र किया है उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, पहला चरण है। ये समझिएगा उनके हिसाब से ये आयोजन पहला चरण है, यानी आगे और चरणों की तैयारी भी है। अब सवाल ये कि प्रशासन इस पूरे मुद्दे को खामोशी होने देता है या यहां पर कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। नजर बनी रहेगी।